और अब हम सीधा चलते हैं अपनी संगत के पास, जो कि इस समय अपने अपने विचार पर कट कर रहे हैं, और विचारों में हम अपने भाइयों से ही बात करते हैं। आप देखिए, और ये मेरे बड़े भाई मंजीत है, ये हमारे सोनू वाले पंडित जी, बहुत सज्जन आदमी है जी। बताओ। मेरा नाम मंजीत है, मैं करौंदा सोगाटर से आया हूँ। मुझे भी आशीर्वाद से आज पहली बार और दूसरे है ये हमारे बड़े भाई, ये भी हर्ष है, जो कि दक्षिणपुरी में रहते हैं। राम जी भाई, हम दक्षिणपुरी से आ रहे हैं माता के दर्शन करने, गुरु जी के साथ में। माता के दोग लाग जाए, कृपा बनी रहे गुरु जी की, माता की। और ये श्री रामचंद्र जी, जय माता जी। हम अपने गुरु जी से आते हैं, वैसे तो हम माता बादरी वाली में दर्शन कर रहे हैं, करोलबाग से आज हम इस रात यही पे माता के यहाँ रुकेंगे, माता के सुबह दर्शन करके चोट बत्ती करके जब हम घर पे दिखेंगे। और जैसा कि आप सभी ने देखा, मेरे भाइयों ने अपना अपना पता बताया, और हम सब यहाँ पे माता के दर्शन करने हेतु आए हैं, और नागे बाबा के दर्शन करने के लिए भी आए हैं। और मेरे पीछे बाबा ने, और अभी अभी हमारी मुलाकात दिल्ली के मशहूर, हरियाणा के मशहूर गायक मुकेश शर्मा जी से हुई, और वे अभी अभी पेट पलनिया माता के दरबार गए थे। तो आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। मिली नहीं। जय माता की भाई, सारे ठीक हो? सारे पर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये बहुत ही सुंदर गायक है, और हरियाणा के दिल्ली, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इनका बहुत ही नाम है, जो कि माता के, बावड़ी साहब के, अन्य देवी देवताओं के उन्होंने बहुत सारे ही भजन गाए और उनका गुणगान भी किया हुआ है। और मेरे पीछे आप देखिए ये माता का दरबार, आप देख ही रहे हैं। के साथ हम माता के दरबार आए हुए हैं, और वीडियो में इस मंदिर के बहुत ही मुख्य प्राणी जो हमें मिलेगा, जो कि माता के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, सिंगा जाट। उनकी नई जनरेशन जो उनके पोते हैं, वे आज भी यहाँ पर है और हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए आज हमें उनसे डायरेक्ट ही मिलवाते हैं। तो ये मिलिए, ये सिंगा जाट जी के पोते। दादाजी आप अपने बारे में बताइए। ये बताओ बेटे, मेरे को 19वीं पीढ़ी है जी, जो मेरा बाबा था जी, सिंगा जाट जिसका सराय थी जी, वो सब मंडू है ना। हाँ जी, वही है जो भी चीज है, बाकी बचपन है। एक बात है मुझे देने, अरे दंगा पाए के सारी जगह नहीं छोड़ रही है, सदा देगी और बुलाओ। हम 1 रुपया देंगे ने बेटे, 100 तो के ठीक बात है। सफाई करो, सफाई बोलो, सफाई करो, सब कुछ की मौज। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, ये सिंगा जाट जी के जनरेशन और उन्हीं के पोते थे, उन्हीं की वंश वेल और उन्हीं की पीढ़ी चल रही है। आगे आगे माता के जितने भी रूप और इस मंदिर के जितने प्रसिद्ध लोग थे, मैं उनसे भेंट कराता रहूंगा, और मुलाकात हमारी सबकी होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में आपके साथ जरूर मिलेंगे।